ये टिकट विंडो है, यहाँ बच्चों के है 15 और बड़े के है 30 रुपीज़। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना है ना तो ये बार कोड है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास चेंज था नहीं तो मैंने फिर ऑनलाइन ही परचेस कर लिया, क्योंकि ये सिर्फ कैश ही मांगते हैं, UPI से होता नहीं है। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन ही कर दीजिए। तो ये कुछ नज़ारा है ब्रिज का, यहाँ से बहुत ही ह्यूज है। तो हाँ जी, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आपको पीछे देखने से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं अभी हूँ कहाँ पे। मैं हूँ अटल ब्रिज पे, जो अहमदाबाद का एक अभी नया नया बना हुआ टूरिस्ट प्लेस है। जो ओपनिंग हुआ था इसका वो कुछ 27 अगस्त 2022 में हुआ था और अभी चल रहा है 23, तो ऑलमोस्ट एक साल तो हो ही गया है। और यहाँ का टिकट है, मैंने जैसे आपको बताया 30 रुपीज़ है, बच्चों का है 15 रुपये। और एग्जैक्ट ये जो ब्रिज है ना उसके सामने ही है आपका 4-व्हीलर और 2-व्हीलर का पार्किंग। और या इसका कुछ लंबाई है, जो इसका जो लेंथ है वो है कुछ, इसका लेंथ जो है ना वो 980 के आसपास है, 980 फीट। और उसका जो विड्थ है वो कुछ 46 फीट के आसपास है। और ये जो डिज़ाइन है ना वो पूरा काइट से ही इंस्पायर हुए है, ये तो उसी से उन्होंने लिया हुआ है। आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे काइट है। तो चलिए चलते हैं ब्रिज के ऊपर और फिर देखते हैं कि कैसा है नज़ारा। ये है यहाँ का ब्रिज, आप देखिए पूरा ना आपको काइट जैसा ही लगेगा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे शूटिंग हुआ था, अभी जो कार्तिक आर्यन का मूवी आया था ना सत्य प्रेम की कथा, उसका शूटिंग भी यहाँ पर हुआ था, जो बॉलीवुड से है। और जो गुजराती से है उसका तो यहाँ पर होता ही रहता है। ये आप सीधे देखेंगे तो कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ये साबरमती रिवर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रूज़ भी चलता है। अगर आपको डिनर क्रूज़ करना है ना तो वो भी आपको चलता है, वो कुछ पर पर्सन आपको 2500 रुपये जितना चार्ज करेंगे उसमें इंक्लूडिंग GST के साथ है 2500 के आसपास। तो ये, और ये साइड में दिख रहा है वो है रिवर फ्रंट, वो सामने है पार्किंग। इसके पीछे ये जो दिख रहा है ना ये पार्किंग है। तो चलिए कुछ ऐसा है नज़ारा। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ना रील वाले ही मिल जाएंगे, संडे के दिन तो आप भूल से भी मत आइएगा। देख सकते हैं आप लोग बैग लेके भी आते हैं स्पेशल देखने के लिए। और मैं हूँ कि आज एक साल बाद आया हूँ, मैं लोकल होके भी अहमदाबाद में रहता हूँ, फिर भी एक साल के बाद मैं यहाँ विज़िट कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं था। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, और ये पूरा जो ब्रिज है ना वो बनते उसका कुछ कॉस्ट आया था 74 करोड़, जो ऑलमोस्ट कवर हो ही गया होगा या हो जाएगा थोड़े टाइम में, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ, छुट्टी के दिन तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं। तो गए भाई साहब ऊपर चढ़ते चढ़ते ही, तो इतना तो आपको लग ही जाएगा। और सेंटर में ही ये हैवमोर का स्टॉल बना हुआ है, तो यहाँ से कुछ भी आइसक्रीम या फिर पानी आप ले सकते हैं। हालांकि होगा थोड़ा कॉस्टली पर ठीक है, चले इतना तो है। उमर का स्टोर भी है और इधर है अमूल का, और यहाँ पे लिखा हुआ है अमूल पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा भी आपको मिल जाएगा। और ये जो डिज़ाइन है ना देखिए, काइट है, तो ये जो पूरा डिज़ाइन है ना वो काइट से ही इंस्पायर हुए हैं। ये पूरा ब्रिज है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब क्रॉस कर लिया ब्रिज। और यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, हर पिलर के ऊपर एक कैमरा है, सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए इन्होंने किया है। हालांकि आज सैटरडे है इसलिए थोड़ा बहुत भीड़ ज़्यादा है, संडे को तो और ज़्यादा हो जाएगा। यह है अमूल स्टोर, पब पिज़्ज़ा सब कुछ मिलेगा आपको। बस ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे तो सामने दूसरा हिस्सा आ जाएगा, दोनों तरफ आपको टिकट विंडो मिल जाएगा। तो आप कहीं पे भी पार्क करके किसी भी तरफ से आ रहे हैं ना, या आप उस तरफ से आ रहे हैं या फिर दूसरे की तरफ, तो दोनों तरफ आपको मिल जाएगा। यहाँ का ये है नज़ारा रिवर फ्रंट का। शाम को रिवर फ्रंट के ऊपर भी बहुत सारा भीड़ लगा रहता है, अगर आप देखेंगे तो कभी आप शाम को आइए तो। और अहमदाबाद में अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा चार्ज है नहीं, 30 रुपीज़ है। और यहाँ फ़ोटो इतने मस्त आएंगे और रात को पूरा लाइटिंग वाला हो जाता है ये।
तो जैसे मैंने आपको बताया 74 करोड़ यहाँ उसका लग गया था, और ये बनना शुरू हुआ था 2018 में और ये बन के रेडी हुआ 2022 में, तो ऑलमोस्ट 4 साल तो हो ही गए उसको बनते बनते, और बीच में कोविड भी आ गया था। तो 2022 में फिर नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए, तो इसका इनॉग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी जी ने जो जब अहमदाबाद आए थे, तो तब से 2022 से ये ओपन है और काफ़ी सारे पब्लिक भी आता है यहाँ पे, और संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही। अगर आपको साइकिल भी लेना है ना तो आप साइकिल भी ले सकते हो यहाँ पे, अगर रिवर फ्रंट के ऊपर चलने के लिए। अगर मैं जूम करके आपको बताऊं कि आप अगर यहाँ से रिवर फ्रंट के लिए यहाँ से साइकिल भी आप रेंट कर सकते हो, जो माई बाइक करके जो ऐप है वो आप इंस्टॉल करके यहाँ से आप राइड के लिए ले सकते हो। तो आप जा रहे इस तरफ भी आप कहीं पे भी जा सकते हो कितना भी, क्योंकि ये रिवर फ्रंट बहुत लंबा है, तो आप साइकिल से बहुत अच्छे से मज़े ले सकते हो। मॉर्निंग में भी बहुत सारे लोग आते हैं, और हाँ इसका टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, सुबह 9 बजे ओपन होता है और रात के 9 बजे तक ओपन रहता है ये ब्रिज। और पार्किंग को आपको देना पड़ेगा, मैंने 2 व्हीलर पार्क करने के लिए दिया है कुछ 10 रुपये, 4 व्हीलर का है मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ अभी जाते हुए कि कितना चार्जेस है 4 व्हीलर के पार्किंग का, शायद 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ था, तो आप देख लीजिएगा। एग्जिट उसके सामने ही है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा या ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए चलते हैं अभी उस तरफ वापस, क्योंकि अपना पार्किंग तो उस तरफ है तो उस तरफ ही चल के जाना पड़ेगा। मैंने पूरा एक राउंड लगा दिया है इधर से उधर का, तो मैं पूरा इस तरफ से चल के उस तरफ जा रहे हैं। अभी ज़्यादा कुछ है नहीं ऊपर, 2 स्टॉल बने हुए हैं हैवमोर और अमूल का, बीच बीच में ऐसे बेंच बना हुआ है, अगर कोई चलते चलते थक जाता है तो वो थोड़ा बैठ सकते हैं। सेंटर में आके आप देखेंगे तो ये साबरमती रिवर जो बहुत क्लीन है, रिवर फ्रंट बनने के बाद बहुत डेवलप हुई है। और यहाँ क्रूज मैं आपको बता दूँ, थोड़ा आगे जाके बताता हूँ, जो डिनर क्रूज में कह रहा था ना, जो पर पर्सन 2500 रुपये जो चार्ज लगेगा, बता देता हूँ थोड़ा जूम करके कैसा है। रात को लाइट करने से बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये वाला जो क्रूज दिख रहा है ना आपको लेफ्ट साइड में, मैं जूम करके बताता हूँ, ये वाला यही है डिनर क्रूज, रात को आप इसमें बैठ के राइड कर सकते हैं। शायद 1 घंटे जितना टाइमिंग होता है इसका, हालांकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी, देखेंगे टाइम मिलेगा तो यहाँ पे एक दिन आएंगे संडे के दिन या फिर ऐसे ही। चलिए आगे चलते हैं। पहले ना ये वाला हिस्सा जो था वो ओपन था कि आप चल सकते थे इसके ऊपर, पर काफ़ी सारा रश रहने के लिए इन्होंने फिर रेलिंग लगा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर हादसा कभी भी हो सकता है, कांच पे तो क्या ही भरोसा करोगे। और रिवर बताया, और रिवर क्रूज बताया तो लेफ्ट साइड था, ये था राइट साइड में बस। तो यही 2 स्टॉल है, बीच में ये बैठने का है और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस फोटो आप कर सकते हो, फोटो और वीडियो। अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें आप सिटी बस भी ले सकते हो, वो आप गूगल में देख लेंगे तो मैप में आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर का बस आता है। तो 5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर है नहीं। और अगर एयरपोर्ट से आप आते हो तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो वहाँ से तो आपको कैब ही लेना पड़ेगा या फिर ऑटो लेना पड़ेगा। तो ये था कुछ अटल ब्रिज, मैं भी फर्स्ट टाइम आया और मैंने भी देखा, ठीक है एक बार विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं पार्किंग में, पब्लिक थोड़ा बहुत है, सैटरडे है तो इतना है, अदरवाइज वीकडे में इतना भी नहीं होता है, वीकेंड में कुछ ज़्यादा ही रहेगा। अभी यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं, और अगर आप फ्लावर का भी लेते हैं ना, गार्डन का भी टिकट, अगर फ्लावर शो है उसका भी अगर आप लेते हैं तो दोनों का मिल के 40 रुपीज़ होता है, और अगर सिंगल लेते हैं तो 10 रुपीज़ आपको पार्क का है और 30 रुपीज़ इसका है। यह है इसका एग्ज़िट जहाँ से हम एंटर हुए थे। राइट साइड में आपको चाय या पॉपकॉर्न बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, ऊपर 2 ही है खाली, आइसक्रीम ना उसके लिए है, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर नीचे आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे ये वाले राइट साइड में।
राइट साइड में ये स्टॉल है, वो कोइटरी वाला है, पिज्जा है, हैवमोर है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा पार्किंग है फोर व्हीलर का या टू व्हीलर का। और राइट साइड में आप जाएंगे तो ये वाला एंट्रेंस है यहाँ पे गार्डन में जाने के लिए, मतलब एक ही एंट्रेंस है, उसमें दोनों तरफ आप जा सकते हो। ये सामने वाला पार्किंग है। चलिए हो गया है, एग्जिट करते हैं। ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये रियर फ्रंट के पैरेलल एक रोड चल ही रहा है। तो आपको अगर जाना है सिटीज में, अगर आपको मेन रोड से नहीं जाना है, वहाँ पे ट्रैफिक दिक्कत कर रहा है, तो आप डाइवर्शन करके ये रोड से आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेन वाले रोड से बहुत कम ट्रैफिक रहता है। हालांकि ट्रैफिक तो यहाँ भी रहता है, क्योंकि आपको पब्लिक को भी पता चल गया है कहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो अब उसको अवॉइड करने के लिए पब्लिक इधर से जाता ही रहता है ये रोड पर फिर भी कम है, क्योंकि हमें रोड क्रॉस करना है, पर पब्लिक चालू ही है। ये वाला पार्किंग है, इसके अंदर हमें जाना है। अच्छा, ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे ही आ गए। ये जो ब्रिज बना है ना, वो डायरेक्ट पार्किंग में से आपको अटल ब्रिज पे ले जाएगा। ये पार्किंग है, यहाँ से आपको सीधे जाके फिर राइट साइड जाना पड़ेगा। ये एग्ज़िट का है, ये वाला जो है ना, ये एग्ज़िट है, तो आपको उस तरफ से जाना पड़ेगा। ये पार्किंग का एंट्रेंस है, आपको ऊपर जाना है पार्क करने के लिए। हालांकि मैंने तो आगे ही रखा है, तो ज़्यादा चल के नहीं जाना पड़ेगा। आपको पूरा ब्रिज घूमने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ, हालांकि अगर आप बैठना चाहें तो अलग बात है, अदरवाइज़ आप घूम के देखना चाहे तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं। तो चलिए, आ गए हैं ऊपर, यह है पार्किंग। चलिए, ये वीडियो में इतना ही। अब मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से, और हवा इतना तेज़ है ना, तो अगर ठीक से वॉइस नहीं आया है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इतना हवा चल रहा था कि यहाँ माइक भी ठीक से काम नहीं करेगा, तो इसीलिए मैंने लगाया नहीं था, क्योंकि बहुत हवा चल रहा है और आज बारिश जैसा मौसम है, तो कुछ ज़्यादा ही हवा चल रहा था। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।